हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 10.4 और टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स और पेज नंबर है 10.46 लेवल 1। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 10.105 AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2। डिटरमाइन ऑल एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं आपके पास दो लाइन है पैरेलल AB और CD, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये जो तीसरी लाइन है जो इन दोनों लाइंस को कट करती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि दो पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन को हमने कह दिया ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन का हमने नाम दिया है L और आप यहां पर देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन कट करती है ट्रांसवर्सल लाइन तो यहां पर आपके एट एंगल्स बनेंगे। आप देख सकते हैं ये एंगल 1 है, 2, 3, 4, इस तरीके से आपके 8 एंगल बनते हैं। और यहां क्वेश्चन में आपको बोला गया है डिटरमाइन ऑल एंगल्स फ्रॉम 1 to 8, यानी कि आपको इन सभी एंगल्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, और फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन होगा और सेकंड और फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन होगा। इस तरीके से सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। सबसे पहले वो कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, है ना, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं एंगल 1 जो होगा किसके बराबर होगा एंगल 3 के, और यहां पर एंगल 5 किसके बराबर होगा एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। ये सभी होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले रूल से इक्वल होंगे। आप यहां पर देख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 के बराबर होगा, किससे होगा लीनियर पेयर से, है ना, वही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई हम कर सकते हैं। एंगल 8 प्लस एंगल 7, आप देख सकते हैं इन दोनों एंगल्स का सम करते हैं तो यहां पर भी आपका लीनियर पेयर वाला रूल अप्लाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहां पर देखिए एंगल 2 किसके बराबर होगा एंगल 6 के, तो इस तरह के जो एंगल्स हैं जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, आप देख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, और यहां पर अगर एंगल 8 को देखें तो एंगल 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो एंगल्स हैं वो आपके कहलाते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि आपके इंटीरियर एंगल होंगे, यानी कि यहां पर जो लाइन आपको गिवन है ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में जो एंगल्स बनेंगे अल्टरनेटली, है ना, 4 और 6 होंगे और 5 और 3 होंगे, तो ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस बात को आप यहां पर लिख देंगे कि एंगल 4 किसके बराबर होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। सो दीज आर नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो यानी कि इन दो लाइंस के बाहर बाहर जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स, है ना, कैसे होंगे अल्टरनेट होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं एंगल 1 किसके बराबर होगा, यानी कि यहां पर कोई एंगल होगा अल्टरनेटली, तो 1 के अल्टरनेट में है आपका एंगल 7, तो आप यहां पर लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 2 के अल्टरनेट में कौन सा होगा एक्सटीरियर एंगल, आपका एंगल 8 होगा, है ना, तो इस बात को आप यहां पर लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। सो दीज आर नोन एज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अभी के लिए आप इन सभी एंगल्स को समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, और इसके अलावा जो भी एंगल्स हैं उनको मैं जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से वो कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है, हिंट गिवन है, वहां से आप उसकी शुरुआत करें। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 3:2, यानी कि एंगल 1 और 2 से आपको शुरुआत करनी है। तो एंगल 1 और 2 आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एंगल 1 और 2 आपका बनेगा लीनियर पेयर, है ना, तो और यहां पर आपको ये गिवन है रेशियो में, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको लेट कर लीजिए, लेट एंगल 1
क्या मान लेंगे, क्योंकि आपका यहां पर रेशियो में गिवन है तो इसको आप बोल देंगे 3x, है ना, और आप एंगल 2 को बोल देंगे 2x, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नाउ यू नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इज इक्वल टू 180। कैसे होगा, लीनियर पेयर से, है ना, यही तो हमने पढ़ा था। तो एंगल 1 और एंगल 2 का आप वैल्यू यहां से रख सकते हैं, एंगल 1 और 2 का, तो एंगल 1 का हो जाएगा आपका 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 180, और यहां पर x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 36 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू आ चुका है। तो एंगल 1 आप निकाल लेंगे, एंगल 1 के लिए क्या करोगे, एंगल 1 है आपका 3x और 3 इंटू 36 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108, राइट। और एंगल 2 आप निकाल लेंगे तो ये आपका 2x है, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 36 और ये हो जाएगा आपका 72, है ना। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये भी आपका 180 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपका क्रॉस चेक भी हो गया। तो एंगल 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और वही आता है, देखो 108 है एंगल 1 और एंगल 2 है आपका 72। तो चलिए अब हम देखते हैं बाकी एंगल्स आप कैसे निकालोगे। अब 1 और 2 निकल चुका है तो 3 और 4 की हम बात करते हैं। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, है ना, आप देखकर ही बता सकते हैं, विजुअलाइज करना है आपको। एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा। तो एंगल 1 का जो वैल्यू है वो क्या है, 108 डिग्री, तो ये भी आपका हो जाएगा 108 डिग्री, और एंगल 2 का जो वैल्यू है वो कितना है आपका 72 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 72 डिग्री, यानी कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, दैट मीन्स 108 डिग्री। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। बात करें एंगल 2 की तो एंगल 2 आपका बराबर होगा एंगल 4 के, दैट मीन्स 72 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाया था करस्पॉन्डिंग एंगल का, तो इसका मतलब है एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, है ना। आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के, और एंगल 1 कितना है आप यहां पर देख सकते हैं, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 108। तो ये कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सी ए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और लेकिन आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और यहां से आप कह सकते हैं एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 6 के बराबर होगा, ये कितना है एंगल 2 आपका 72 डिग्री, है ना, ये भी कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके से आपने दो एंगल और निकाल लिए, 5 और 6। तो ये एंगल्स निकालने के बाद आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला रूल ही अप्लाई करना है। आप यहां पर देख सकते हैं एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के, और एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के, है ना, कितना आसान है। एंगल 5 किसके बराबर होगा, एंगल 7 के, और एंगल 5 कितना है हम यहां पर निकाल चुके हैं 108, है ना। कैसे होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इसके बाद एंगल 6 किसके बराबर होगा आपका, एंगल 8 के बराबर होगा, और एंगल 6 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 72 डिग्री, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ही होगा। तो देखा आपने क्या किया, बस आपने एंगल 1 और 2 आपने फाइंड कर लिया, जो हिंट गिवन थी उसके थ्रू आपने यहां पर फाइंड कर लिया, और उसके बाद आपको अगर कंसेप्ट याद है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो उस कंसेप्ट को आपको यहां पर यूज करना है, और देखते ही देखते आपके सामने सारे के सारे एंगल निकल जाएंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन फिगर 10.106, दिस इज योर फिगर नंबर 10.106, एल एम एंड एन आर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी एट एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो चलिए इस फिगर को हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर गिवन है एल एम एंड एन आर पैरेलल लाइंस, है ना, आपको यहां पर तीन पैरेलल लाइंस गिवन है, और एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तीनों लाइंस को कट करती है, आप देख सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जब आपकी दो पैरेलल लाइन हो या फिर दो से ज्यादा हो, और उन सभी लाइन को आपकी एक लाइन कट करती हो, है ना, जैसे पी लाइन है, इन सभी लाइंस को कट करती है, तो इसको हम बोल देंगे
ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए, चाहे आपकी पैरेलल लाइन दो हो या फिर तीन हो, कंसेप्ट आपका वही रहेगा, एंगल्स आपके चेंज नहीं होंगे। ठीक है, जो कंसेप्ट हम वहां पे यूज कर रहे थे करस्पॉन्डिंग एंगल वाला, ऑल्टरनेट एंगल वाला, वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे ही होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइंस जो है कम या ज्यादा हो गई तो आपका जो कंसेप्ट है वो चेंज हो गया, नहीं, कंसेप्ट आपका वही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक्स ये एंगल है, तो यहां पर अगर मान लो कोई भी एंगल है, एंगल ए, तो ये आपका कैसा होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, है ना, तो कंसेप्ट आपका वही रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शुरुआत कहां से की जाए, जो मुद्दे की बात है वो यही है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि जो भी आपको गिवन है, कुछ ना कुछ एंगल गिवन है, क्योंकि आपको एंगल्स ही निकालने हैं, तो शुरुआत एंगल से ही करनी है, यानी कि कुछ गिवन एंगल से। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक एंगल गिवन है 120 डिग्री, ये वाला एंगल है ना। तो अगर एंगल 3 और एंगल 120 डिग्री को हम अगर यहां पर सम करते हैं, तो यहां पर एक आपका कुछ ना कुछ रूल अप्लाई हो सकता है। रूल कौन सा होगा, जैसे अगर मैं कहूं एंगल 3 प्लस एंगल एम वाई जेड, तो देखिए ये जो दो एंगल हैं, एंगल 3 और 120, है ना, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं एम वाई जेड, है ना, ये वाला एंगल, यानी कि ये आपका 120 डिग्री है, इन दोनों का सम करते हैं तो एंगल 3 आपका निकल जाएगा, और दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होंगे, ये लीनियर पेयर होंगे, है ना, आपके लीनियर पेयर फॉर्म होते हैं, ये आपकी कॉमन लाइन है और ये आपकी अपोजिट रेज है, है ना, तो आपका लीनियर पेयर यहां पर बन चुका है। तो आप यहां से एम वाई जेड का वैल्यू आप यहां पर 120 रख देंगे, तो एंगल 3 आपका निकल के आ जाएगा, 120 आप यहां से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना, एंगल 3 का वैल्यू आपके पास आ चुका है। तो एंगल 3 आपने निकाल लिया, एंगल 1, 2, 3, तो 3 आपका फाइंड हो चुका है। अब बात करते हैं एंगल 1 और 2 की, तो यहां पर आप लिख दोगे एंगल 3 का वैल्यू है 60 डिग्री, है ना, और एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप ध्यान से देखें कि अगर हम यहां पर L और M लाइन को कंसिडर करें, पैरेलल लाइन है ना, ऑलरेडी पैरेलल है, लेकिन आपको यहां पर वो कंसेप्ट यूज करना है, इसलिए मैंने अलग से बोल दिया है। तो इसका मतलब है एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 1 के, एंगल 3 विल बी इज इक्वल टू एंगल 1, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके से आपका एंगल 1 भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और बात करते हैं एंगल 2 की, यहां पर आपको एक कंसेप्ट और यूज करना है। आप मुझे बताएंगे, अगर मैं कहूं कि एंगल 2 जो है आपका 120 डिग्री के बराबर है, तो वो कैसे है, क्या आपको मालूम है, अगर हम माने कि M और N आपके पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पर आपको वो कंसेप्ट अप्लाई करना है, ऑलरेडी आपके पैरेलल लाइन है, लेकिन आपको यहां पर वो कंसेप्ट यूज करना है इन दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो यहां पर आप कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपने देखा, अगर आपको एक एंगल भी गिवन है, तो उसकी हेल्प से आप बाकी जो एंगल्स हैं उनको आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपको ये तरीका मालूम होना चाहिए कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। अगर आपको ये मालूम चल गया, ये तरीका मालूम चल गया, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप आसानी से उसको स्टार्ट करके फिनिश कर सकते हैं, उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन फिगर 10.107, दिस इज योर फिगर नंबर 10.107। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आप यहां पर देख सकते हैं ये जो ए बी लाइन है इस फिगर के अंदर, ए बी जो है पैरेलल है सी डी लाइन के, ठीक है, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, आप देख सकते हैं सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये जो लाइन है आपकी यहां से लेके यहां तक, है ना। फाइंड एंगल ए सी ई, आपको बोला गया है एंगल आपको निकालना है ए सी ई, यानी कि आपको ये एंगल फाइंड करना है ना। तो यहां पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल हो चुकी हैं, है ना, इस स्टेटमेंट के हिसाब से तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो चुकी हैं, और इसके बाद आपको यहां पर एंगल निकालना है ए सी ई। तो इस एंगल को निकालने के लिए यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। जैसे अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है एक्स और वाई, है ना, कोई भी दो आपके पैरेलल लाइन है, जैसे यहां पर आपके पास है ई एफ और सी डी, और यहां पर जो एंगल्स बनते हैं, ठीक है, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
इसी तरीके से ये जो दो लाइन है, यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर हम कहते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये P और Q जो एंगल हैं, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर, है ना। इनका जो सम होगा, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको इस कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस को लिया है, EF और CD को। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने इसी बात को यहाँ पर लिख लिया है। आप देख सकते हैं एंगल FEC और एंगल ECD, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। और आपको पता है कि एंगल FEC जो है गिवन है 130 डिग्री, आपको ये गिवन है। तो आप क्या करोगे, ये वाला एंगल आप फाइंड कर लोगे, है ना। FEC आपका यहां पर चला जाएगा माइनस में, और 130 डिग्री आप माइनस कर दोगे 180 में से, आपके पास ECD आ जाएगा 50 डिग्री, है ना। ये एंगल हो जाएगा आपका 50 डिग्री। आप देख लीजिए दोनों को ऐड करेंगे तो आपका सम आएगा 180 डिग्री के बराबर, है ना। दिस इज द कंसेप्ट, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन आपको तो निकालना है एंगल ACE, है ना, ACE, ये एंगल आपको फाइंड करना है। अभी हमने सिर्फ ये वाला एंगल निकाला है, तो मैंने क्या बोला था कि ये भी आपस में पैरेलल लाइन होंगी, है ना, BA इज पैरेलल टू CD। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो इनके बीच में जो भी लाइन जाएगी दिस इज नॉन एज ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, इस एंगल के, है ना। दिस इज नॉन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर ये 70 है तो ये पूरा का पूरा एंगल भी 70 डिग्री होगा। और आप जानते हैं कि ये एंगल आप फाइंड कर चुके हैं, है ना, ये वाला, तो ये वाला आपके पास आ चुका है 50 डिग्री। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये आपका 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, आप देखकर बता सकते हैं, है ना, विजुअलाइज करके इस फिगर को आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ये होगा आपका 20 डिग्री, है ना, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, BA इज पैरेलल टू CD, है ना। जो बात मैंने आपको बताई है उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। तो यहां से क्या होगा कि BAC, है ना, ये वाला एंगल BAC किसके बराबर होगा, एंगल ACD के, ACD के बराबर होगा। कितना होगा, 70 डिग्री। कैसे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट है ना, एक इधर है एक इधर है। इसके हिसाब से हमने यहां पर निकाल लिया एंगल आपका ACE, ACE आपका एंगल आ जाएगा, है ना। और जो ECD ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, यहां पर ECD कितना है आपका, 50 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी और हमने यहां पर निकाल लिया एंगल ACE इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन फिगर 10.108 स्टेट विच लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई। तो यहां पर ये जो फिगर है इसमें आपको देखकर बताना है कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। तो यहां पर चार लाइन गिवन है, आप देख सकते हैं BA एक लाइन है, AC एक लाइन है, और ये जो लाइन है DC इसको हमने L बोल दिया है, ठीक है, और एक लास्ट लाइन है EK, है ना। तो ये चार लाइन है, इनमें से आपको देखकर बताना है कि कौन सी किसके पैरेलल है और उसका रीजन भी आपको यहां पर बताना है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आप इस फिगर को विजुअलाइज कीजिए और जैसे एक लाइन है BA, है ना, तो ये जो लाइन है ये आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल नहीं हो सकती, आप देखकर ही इसको बता सकते हैं। इसके बाद ये जो लाइन है EK और AC, है ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे आपस में पैरेलल हो सकती हैं। तो चलिए इनको लेकर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको यहां पर लगता है कि जो लाइन है EK और AC, इसके अक्रॉस जितने भी एंगल्स हैं उनके अक्रॉस हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वो एंगल्स आपस में इक्वल हैं कि नहीं। जैसे आपको ये दो एंगल आपको गिवन है कि ये आपस में इक्वल है 100 डिग्री और 100 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एंगल EOC, है ना, EOC किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। ये दो लाइन आपस में कट करती है और आप कह सकते हो कि ये एंगल भी आपका 100 डिग्री होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपने इस बात को यहां पर लिख दिया। इसके बाद एंगल DOK, आप देख सकते हैं एंगल DOK किसके बराबर होगा, अगर ये आपका 100 हो चुका है तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है, आपने बस क्या किया वर्टिकली अपोजिट एंगल से
आपने प्रूव कर दिया कि ये एंगल भी आपका 100 डिग्री है, कि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये जो दो एंगल हैं ये बेसिकली बनते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप यहां पर बोल सकते हैं ये जो दो लाइन है EK और AC ये बेसिकली आपके पैरेलल लाइंस हैं, और इसका मतलब है कि ये जो एंगल्स हैं आपस में इक्वल हुए हैं, ये बेसिकली फॉर्म करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब हुआ कि EK जो होगा वो पैरेलल होगा AC के, है ना। तो यहां पर हमने रीजन भी दिया और ये भी बताया कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 5 की। इन फिगर 10.109 इफ L इज पैरेलल टू M, N इज पैरेलल टू P एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 85 डिग्री, फाइंड एंगल 2। तो यहां पर जो फिगर गिवन है इसमें देखकर आप बता सकते हैं कि दिस L इज पैरेलल टू M और N इज पैरेलल टू P, है ना। ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये जो दो लाइन है आपस में पैरेलल हैं, और आपको यहां पर एंगल गिवन है, एंगल 1 ये है, एंगल 3 ये है और एंगल 2 ये वाला है। तो आपको बताना है कि एंगल 2 कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसकी शुरुआत होगी कि N और P को आपको लेकर चलना है कि ये पैरेलल लाइन है और तीसरी लाइन इसको कट करती है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर होगा। आप देख सकते हैं अगर हम कहते हैं कि N इज पैरेलल टू P तो एंगल 1 3 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे कौन कौन से, 2 और 3। जब हम यहां पर लेते हैं M और L को कि ये आपस में पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में दो एंगल ये फॉर्म होते हैं, एंगल 2 और 3। तो ये होंगे आपके को इंटीरियर एंगल्स और इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री के बराबर, है ना। तो यहां से एंगल 2 हम निकाल लेंगे कि 180 माइनस एंगल 3, और एंगल 3 आपको गिवन है 85 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये 1 के बराबर है, तो जितना 1 होगा उतना ही 3 होगा। तो 180 में से 85 आपको माइनस कर देना है और एंगल 2 का वैल्यू आ जाएगा 95 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।